आइए अब हम देखते हैं वीएनएम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत डेंटिस्ट डॉक्टर निराली पटेल से एक खास मुलाकात। नमस्कार, वीएनएम स्वास्थ्य चर्चा विथ आईडीसी इस कार्यक्रम में आपका फिर एक बार स्वागत है। हर शनिवार को मैं आपसे बात करती हूं आपके दांतों के बारे में, दांतों की स्वस्थता के बारे में, और हमेशा ये कहती हूं कि बहुत ब्यूटीफुल स्माइल के लिए सुंदर दांतों का होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दर्शकों, आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ है डॉक्टर निराली पटेल और बताएंगी कि आज हमारी स्वीट यानी कि सुंदर हास्य का महत्व क्या है। निराली, सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि सुंदर हास्य का क्या महत्व है? सुंदर हास्य होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। हम किसी से बात करते हैं, हमारी स्माइल अच्छी होगी, टीथ अच्छे होंगे, तो हम उसके साथ बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर सकेंगे। हमारे दांत अच्छे नहीं होंगे, येलो हो जाएंगे, स्टेन्स वाले होंगे, मुंह में से बदबू आती होगी, बैड ब्रीथ होगी, तो हम किसी से कॉन्फिडेंस से बात भी नहीं कर सकते। तो अच्छी स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट हमारी पर्सनैलिटी के लिए और हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, ये बहुत जरूरी होता है। बहुत सही बताया, मेरे साथ कई बार ऐसे अनुभव होते हैं कि किसी को ऑफर करना पड़ता है कि आप पानी पी लीजिए क्योंकि कुछ बैड स्माइल आती है, तो ये खास ध्यान रखें। स्माइल डिजाइनिंग क्या है? स्माइल डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं कि आपकी एज के वाइज, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके स्किन कलर, आपके हेयर कलर और आपके जो स्माइल है, लिप्स है, उसके हिसाब से हम स्माइल डिजाइन करते हैं। टीथ को अलग शेप देते हैं और कलर देते हैं, तो आपके आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे कैसी स्माइल सूट होगी उसके हिसाब से हमारी आपकी स्माइल डिजाइन करते हैं। ग्रेट, कपड़ों की डिजाइन होती है, हेयर स्टाइल होती है, तो स्माइल की डिजाइन भी हो सकती है, वो बहुत अच्छी बात है। एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में क्या क्या ट्रीटमेंट होती है? एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में स्माइल डिजाइनिंग के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मैं पहले बताऊंगी ब्लीचिंग के बारे में। ब्लीचिंग क्या होता है कि टीथ को व्हाइट करने के लिए, फ्लूरोसिस होता है, स्टेन्स होता है, टी कॉफी की वजह से स्टेन्स होता है, टबेको स्टेन्स, उसकी वजह से जो दांत येल्लो हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, तो उसको ब्राइट करने के लिए हम ब्लीचिंग बोलते हैं। इट इज अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, उसकी टीथ एकदम शाइनिंग और ब्राइट हो जाएंगे और व्हाइट हो जाएंगे। फेस का सिर्फ सुंदर दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी सारी यानी पूरा बॉडी अगर बहुत सुंदर है और दांत बुरे हैं तो अच्छी बात नहीं होगी। आप कुछ और कहना चाहती थी? हाँ, और बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसमें वीनियर्स होते हैं, लैमिनेट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम टूथ का शेप, साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे मटेरियल्स भी उसमें अवेलेबल होता है जिसको बोलते हैं कंपोजिट। दांत को फ्रैक्चर हो जाता है, कोई दांत किसी के टेढ़े मेढ़े होते हैं, लंबे होते हैं, कोई शॉर्ट होते हैं, किसी के टीथ में ज्यादा गैप होती है, ये सब करेक्शन हम स्माइल डिजाइनिंग के हिसाब से कर सकते हैं। इसका कोई दूसरा परिणाम नहीं आ सकता ना, यानी जैसे कहते हैं आर्ट असर? नहीं, उसकी कोई आर्ट असर नहीं होती है। इट इज जस्ट अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, फंक्शनल ट्रीटमेंट नहीं है, तो आपके खाने पीने में या किसी में भी आपको कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ओके, टूथ ज्वेलरी क्या है? आजकल ये टूथ ज्वेलरी बहुत फेमस हो चुका है। दांत पे हम डायमंड लगाते हैं, टैटू लगाते हैं, ये सब अच्छी स्माइल को ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए ये सब अभी अवेलेबल है। क्या इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है? नहीं, ये उसमें कोई केमिकल ऐसा नहीं होता है कि जो नुकसान पहुंचाता है, और ये डायमंड वगैरह जो होता है जब भी आप निकालना चाहो तब निकल भी सकता है, और टूथ को हम कुछ भी ड्रिल नहीं करते और ऐसा कुछ नहीं करते कि उस पर कुछ आड़ असर हो। एस्थेटिक ट्रीटमेंट कोई भी उम्र में करवा सकते हैं? जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ उम्र के बाद वो हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो ऐसा कुछ क्या होता है? यूजुअली जो दांत का बाहर का लेयर, जो इनेमल बोलते हैं, वो उम्र के हिसाब से उसको जो वेरेंट है, जो नॉर्मल होता है, वो घिस जाता है, उसकी वजह से टीथ छोटे हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। ये सब होने की वजह से उम्र ज्यादा और ज्यादा लगती है कि ज्यादा जल्दी बूढ़े हो गए, तो उसको नया लुक देने के लिए हम स्माइल डिजाइनिंग करते हैं, उसको नया शेप देते हैं, इनेमल को स्ट्रांग करने के लिए उसको कवर करते हैं और उसको नई स्माइल देते हैं। तो आपको उम्र में भी ऐसा लगेगा कि मैं ज्यादा थोड़ा जवान दिख रहा हूँ। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच निराली, बहुत अच्छी जानकारी दी आज हमारे दर्शकों को। दर्शकों, ये थी निराली और उन्होंने जो बात बताई
कि आप अपनी स्माइल कैसे बहुत ज्यादा सुंदर बना सकते हैं, मगर मैं आखिर में ये बात जरूर कहना चाहूंगी, ये सारी ट्रीटमेंट तो है ही है, मगर आप घर पे अपने दांतों का ख्याल जरूर रखें, दो बार ब्रश जरूर करें और 6-8 महीनों में डॉक्टर के पास यानी कि डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं। मैं खास ये कहना चाहूंगी आखिर में कि आईडीसी क्लिनिक जहां पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप जब वहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट के लिए अगर आपको बाहर जाना पड़ता है, वो सारी सुविधाएं आईडीसी में उपलब्ध है। वीएनएम स्वास्थ्य चर्चा में आज बस इतना ही। वीएनएम पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज़।